हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार और मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। सॉरी दोस्तों, मैं आपके सामने बहुत दिनों के बाद आया, आप देख सकते हो क्यों। सो कुछ इश्यूज थे, कुछ हुआ था घर में, तो इसकी वजह से मेरे को तो बाल बाल भी निकालना पड़ा। बट मैं अभी आ गया हूँ आपके सामने। और सबसे पहले तो सॉरी, मैं लाइव उस दिन आ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मतलब 24 आवर्स वेट करना पड़ता, तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही लाइव आया जाए, कुछ अच्छा सा सरप्राइज लेके आपके लिए। तो इसलिए मैंने फिर उसको पोस्टपोन कर दिया। बट जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, मैं लाइव आऊंगा और आपके जितने भी क्वेरीज हैं सबका आंसर लाइव दूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज बात करने वाले हैं हम सैलरी के बारे में, जो कि सर्विस डेस्क की सैलरी है ना, सिर्फ उसके बारे में बात। आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये किस पर्पस के लिए है। ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ HCL के सर्विस डेस्क के सैलरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेशर का और एक्सपीरियंस का दोनों का सैलरी का जो रेंज है वो क्या है। मुझे बहुत सारे DMs आए हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे कमेंट्स आए अपने यूट्यूब पे कि मतलब सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी कितनी, पैसा कितना मिलेगा, बस यही पूछ रहे थे सब लोग। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि अगर कोई बच्चे पूछते भी हैं तो उनको बता दूं कि मतलब आप वो वीडियो देख लो, इसमें मैंने पूरा क्लियर कर लिया। क्योंकि वीडियो में क्लियर करना और मैसेज में क्लियर करना आपको पता है बहुत ही अलग बात है। इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बना लिया जाए। तो आज ये वीडियो उसी के लिए है। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा फ्रेशर के लिए। अगर आप एक फ्रेशर हो, आप एक नॉन टेक्निकल हो चाहे टेक्निकल हो, उसके लिए अलग से वीडियो, अगर उसके बारे में जानना है तो देखो अलग से वीडियो बना दिया मैंने। मैं ट्राई करता हूँ कि हर इशू से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना दिया जाए ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो नॉन टेक्निकल टेक्निकल का है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। बात करते हैं इसमें सिर्फ सैलरी के बारे में। चाहे आप नॉन टेक्निकल हो चाहे टेक्निकल हो, एज अ फ्रेशर आपकी सैलरी क्या होगी HCL के सर्विस डेस्क वाले जॉब में, चाहे वो एनालिस्ट हो चाहे वो सीनियर एनालिस्ट हो चाहे कुछ भी फ्रेशर है, तो उसकी जो सैलरी होगी वो मैं बता दूं आपको, करीब 14,000 से लेके 18,000 के बीच में होगी। ठीक है, इसके ऊपर क्या मिलेगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले बता दूं कि 14 से 18 क्यों होगा। देखो ये सब ना डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो, अगर आपका इंटरव्यू मैनेजर के साथ जो हुआ उसमें इंग्लिश फ्लुएंसी वगैरह ये सारी चीजें अच्छी हो, तो आपको अच्छा ऑफर कर सकते हैं 17-18। अगर थोड़ा कम है तो वो 13-14 के आसपास करते हैं। तो अब इसमें क्या है ना कि कैसे सैलरी बढ़ाया जाए, इसके लिए भी बताऊंगा कि आप HR से कैसे डिस्कस, मतलब नेगोशिएट कैसे करो, क्योंकि नेगोशिएशन बहुत ही बड़ा बड़ा मुद्दा है मतलब सैलरी के लिए। तो वो पहले नेगोशिएट करेंगे, आप फ्रेशर हो और कुछ कुछ रीजन बताएंगे, तो आप एक फोकस रखो कि आपको क्या चाहिए। और आपको इंटरव्यू के बाद आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ तक हो, तो आप एक 14 से 15 या 16 हजार 17 हजार के आसपास रखो कि एटलीस्ट उतना तो मिले, मतलब 2.2 या 2.8। बेसिकली जो सैलरी होता है फ्रेशर का वो 2.2 से 2.8 तक का होता है। इसमें 2,000 रुपये और ऐड कर लो जो कि नाइट अलाउंस है, अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो, जो कि 90% होता ही है अगर सर्विस डेस्क करते हो, तो अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो तो 2,000 और पकड़ लो, 18 है तो 20 होगा, 16 है तो 18 होगा। ठीक है, बस मैं बात करता हूँ सैलरी की, प्रॉपर सैलरी की। सिर्फ तो 16 से 18 हजार रुपये आपको इनहैंड मिलना ही चाहिए। अगर उतना नहीं मिल रहा है तो आप मत करो, आप फिर ट्राई करो दूसरी जगह, क्योंकि उससे कम में कुछ होगा नहीं। और HCL उतना पे करती है, आपको बस नेगोशिएट करना है। ठीक है, कैसे नेगोशिएट करना है वो आपके ऊपर है। आप बताओ कि इतने में नहीं होगा, मतलब दूर है, ये है वो है, क्या रीज़न देना है वो मैं पर्सनली बता दूंगा। आप मेरे को DM करना, मैं बता दूंगा, यहाँ पे नहीं बता सकता, बट आप नेगोशिएट करो। और सैलरी जो है ना, देखो फ्रेशर का सैलरी ना TCS में या फिर जो भी बाकी कंपनी है ना, उससे ज़्यादा HCL में फ्रेशर में। ठीक है, TCS 10,000 दे रही है फ्रेशर को, 10,000 में क्या होता है आजकल, 2,000 नाइट अलाउंस दे देगी, चलो ठीक है, 12,000 में क्या होगा। बट ये आपको 14 से 15 18 भी देती है, बट यही है कि आपको फिर उसके हिसाब से इंटरव्यू तो देना पड़ेगा ना, इंटरव्यू में बढ़िया देना करना पड़ेगा, फिर आपको मिल जाएगा। और एक खुशखबरी है फ्रेशर के लिए, पहले क्या था ना कि पे करो और जॉब करो, अभी वो खत्म हो गया, अब पे करने की जरूरत नहीं है। अब फर्स्ट कैरियर जो है ना, अब डायरेक्ट आप अप्लाई करो एज अ फ्रेशर और आपको जॉब मिल गया,
तो आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं, आप बस अर्निंग करो और 1 साल 2 साल जो भी, 1 साल का बॉन्ड है, 1 साल तो करना ही पड़ेगा। पहले 2 साल का था बॉन्ड, जो है वो 1 साल का हो गया है, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये पूरा जो है ना, ये फ्रेशर के लिए है, ठीक है। आपको आई होप आपको पता चल गया होगा कि सैलरी क्या है फ्रेशर का, ठीक है। तो यही एक क्लियर करना था मुझे। और अभी मैं बात करता हूँ एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। देखो सबसे पहले तो जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है ना, चाहे वो टेक्निकल है चाहे वो नॉन टेक्निकल है, डजेंट मैटर, ओके। आपको जो भी सैलरी है ना पुराने आपके ऑफिस में, उससे 30% हाइक मिलता है भाई, उसके लिए ना लड़ना पड़ता है। लड़ना इन द सेंस नेगोशिएशन करना पड़ता है। मुझे बहुत सारे मैसेज आए, मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बंदों ने बोला कि मेरा सैलरी 3.5 था, अभी भी 3.5 ही दे रहे हैं ये लोग, 3.4 तक दे रहे हैं, 3.2 बोल रहे हैं, मतलब जितनी सैलरी थी पिछली पिछली कंपनी में उससे कम बोल रहे हैं। तो क्या करूं भाई, मत करो जॉब, क्यों करना, जितना मिल रहा है उससे कम में, मतलब सिर्फ HCL के नाम से मत जाओ, क्योंकि आप अगर हाँ बोल देते हो ना, आपको 1 साल बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील होगा। HR का बस काम उतना ही है, उसके बाद कुछ नहीं करेंगी वो। तो आपका जो इंसेंटिव और इंक्रीमेंट जो भी है ना, इंक्रीमेंट वो सिर्फ 5% होगा, 1,000 2,000 रुपये में क्या होगा बताओ। इसलिए आप लड़ो, नेगोशिएट करो, आप उनको बताओ आपका जो भी सैलरी है, ठीक है, जो भी आप पुराने कंपनी में मिल रहा था आपको, उसमें आपका कैलकुलेटेड जो भी है वो है कि आपको इतने EMI में देना है, इतना घर पे देना है, इतना खर्चा होगा, आप उससे कम कर देंगे तो कैसे होगा। इवन HCL आए हैं हम, तो उससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं, तो एटलीस्ट 20 से 30% तो एक्सपेक्टेशन होता है सबका। आप उनको ये सब क्लियरली बताओ, प्रैक्टिकली बताओ। सो इफ यू विल टेल दैट, देन दे विल डेफिनेटली वॉक दैट। और वो क्या बोलेंगे ना, बजट नहीं है हमारा, हमारा इतना ही बजट है, तो ये सारी चीजें ना इग्नोर करो। और आप आपका जो भी है ना, लाइक 3.5 है, तो आप 4 पे फिक्स रहो, फिक्स रहो कि नहीं इससे कम भी नहीं हो। तो वो क्या बोलेगा ना, ठीक है मैनेजमेंट से बात करती हूँ या बात करता हूँ, फिर मैं बताऊंगी, ऐसा बोल दिया तो पक्का आपको कॉल भी आएगा 1-2 दिन में, और हो जाएगा जितना आपने बोला ना उतना मिलेगा आपको, ठीक है। बट एक फिक्स रहो कि नहीं आपको इस पे लॉक करना है। ऐसा नहीं कि मतलब अरे यार जॉब मिल गया, जॉब मिल गया, जो दे दे वो कर लेंगे, नहीं भाई ऐसा मत करो, बाद में पूरा 1 साल 1.5 साल बहुत पछताना पड़ेगा आपको। तो ये मत करना, आप लड़ो अपने हक के लिए, नेगोशिएशन करो उनसे, और मिलता है, मैंने देखा है मिलता है। यहाँ सेल्स वाले बंदे को 4 लाख 5 लाख रुपए मिल रहा है, क्योंकि सेल्स में ज्यादा सैलरी होती है, वो आते हैं वो इधर अप्लाई करते हैं तो उनको मिलता है 4.5 4.8, बट उसके लिए नेगोशिएशन करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है प्रैक्टिकली कि आपका जो फाइनेंशियली है वो क्या है, आपका जो सैलरी है वो फिक्स है, यहाँ कहाँ कहाँ पैसे जाते हैं हर महीने, उससे कम मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़्यादा तो चाहिए ही चाहिए, उतने में क्या होगा, ये सारी चीज़ बतानी पड़ती है। ये सारा मैं पर्सनली भी बताता हूँ, आप DM कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा पूरी चीज़ें, यहाँ पर नहीं बता, बट फिर बता दो एक्सपीरियंस वालों के लिए, जो भी आपका सैलरी है ना उससे 25 से 30% हाइक करके मिलेगा ही मिलेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको नहीं मिल रहा है, करो मैसेज मुझे, मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, अगर कोई बच्चों को किसी किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जॉब करने में कुछ दिक्कत है, तो आप मुझे DM करो, मैं काउंसलिंग भी करना शुरू कर दिया हूँ, तो मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा और बताऊँगा कैसे आप जॉब ले सकते हो और कहाँ पे आपको जॉब करना चाहिए, और ये सर्विस डेस्क आपके लिए है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हो। और यही था एक सैलरी से रिलेटेड वीडियो, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो और अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया तो इसको जितना हो सके उतना शेयर करो, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर पुराने हो तो भाई आपको पता है लाइक करो, ठीक है, और शेयर करो। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, बाय।